बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पावर पॉइंट पे एक वीडियो बना रहा हूँ और इसका मकसद है कि इसी एक वीडियो के अंदर आपको पावर पॉइंट की तमाम ऑप्शंस का अच्छे से पता चले। पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, स्लाइड शो बनाने का सॉफ्टवेयर है कि आप इसके अंदर अपने ऑडियंस को अपनी जो भी अपने पॉइंट समझाना चाहते हैं वो उन्हें अच्छे से बता सकें, समझा सकें। पावर पॉइंट को मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये एक ब्लैंक फाइल है पावर पॉइंट की, और मैं इस पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखने की जगह है वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। पावर पॉइंट के अंदर आपको कसर सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में ही मिलता है लिखने के लिए, जैसे ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स में असल में लिखा है। अच्छा, इसके एक तो ये देखें, इसके अंदर जब कर्सर ब्लिंक कर रहा हो तो ये इस वक्त राइटिंग मोड में है। अब देखिए, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, साइज इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा। अब मैं इसके बॉर्डर पे आउटलाइन पे क्लिक किया और अब इसका यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट कर रहा हूँ। अब देखें, अब ये इंक्रीज़ हो रहा। तो शुरू में स्टूडेंट इस चीज़ में परेशान होते हैं कि कभी तो ये इंक्रीज़ होता है और कभी ये इंक्रीज़ नहीं होता। अगर ये यू राइटिंग मोड में होगा, ये कसर इसके अंदर ब्लिंक कर रही होगी, तो फिर कोशिश करें आप इसके बॉर्डर पे क्लिक करके फिर इसकी, जैसे अब ये कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर लें, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट कर लें, साइज़ है कोई एग्जैक्ट साइज़ देना चाहते हैं वो दे दें। अच्छा, अब ये क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग नहीं करनी। डिज़ाइनिंग से मुराद ये है कि अगर मैं इसको, ये देखिए, मैं इसको खुला करना चाहता हूँ तो ये खुला नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप लेनी पड़ेगी और उस शेप को आप लें और फिर इस टेक्स्ट को इसके ऊपर लाएं। अच्छा, अब टेक्स्ट इसके बिहाइंड जाएगा क्योंकि पहले टेक्स्ट मैंने लिखा था, शेप मैंने बाद में ड्रॉ की थी। इसको ऊपर बटन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे क्लिक करें, अब ये फॉरवर्ड आ गया। अब आप इसको कहीं भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको, इसका कलर वाइट करते हैं ताकि अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। तो यूं इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे ही इसको बढ़ाना चाहेंगे तो वो सही एडजस्टमेंट नहीं होती। टेक्स्ट बॉक्स को हमेशा राइटिंग के लिए यूज़ करें और इस तरह के काम के लिए आप हमेशा इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, राउंड शेप्स हैं या दीगर शेप्स हैं, इनको आपने इस्तेमाल करना है। फिर जैसे किसी कंपनी का अगर काम करना हो तो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि हमारे जो कंपनी के कलर हैं, ब्रांड्स कलर हैं, आप उसमें काम करें। फॉर एग्जांपल, मैं इंसर्ट करता हूँ पिक्चर दिस डिवाइस और यहाँ से मैं ये लोगो लेता हूँ। अब ये मैंने एक लोगो लिया है। अब जो ये प्रेजेंटेशन बनेगी, जो स्लाइड्स बनेगी, वो सारी की सारी इसी कलर स्कीम में होनी चाहिए। अब इसी हिसाब से मैं इसको कलर आपके सामने दे के दिखाता हूँ। अब इस पट्टी का कलर
इस रेक्टेंगुलर का कलर वही होना चाहिए, नेवी ब्लू। तो इसको नेवी ब्लू कलर किस तरीके से देना है, आप यहाँ फिल की ऑप्शन में आए, शेप फिल में, और आई ड्रॉपर लें और फिर आप इस नेवी ब्लू कलर पे क्लिक कर दें। आप देखें, अब इस रेक्टेंगुलर का कलर नेवी ब्लू हो गया। अब ये वही कलर है जो इसके लोगो के अंदर कलर था। इसी तरीके से टेक्स्ट कलर आप इसके ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर आप टेक्स्ट कलर ऑरेंज ही रखना चाहते हैं या ये वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके साथ मैं एक और रेक्टेंगुलर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसका कलर ऑरेंज होना चाहिए। फिर शेप फिल में आए और आई ड्रॉपर लें और इस ऑरेंज पे क्लिक कर दें। अब देखें, ये अब ऑरेंज कलर उसके साथ का हो गया। तो ये इस तरीके से आप ब्रांड कलर, कंपनी के कलर ले सकते हैं। आप देखें, ये इसको मैं रेंज में जाएं, रेंज में ब्रिंग फ्रंट कर दें, अब ये उससे आ गया। तो इस तरीके से जो अगर हम कंपनी की किसी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसके ब्रांड कलर हम इस तरीके से उसके लोगों से ले लेते हैं। इसी तरीके से अब इस पे क्लिक किया मैंने और शिफ्ट से नीचे वाली लाइन पे क्लिक कर लिया और रेंज में आए। आप इनको यहाँ क्लिक करें, शिफ्ट से नीचे वाले बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया, बल्कि ये ब्लू पे हुआ और ये ऑरेंज पे, रेंज में आए तो ये ग्रुप की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ये इसे ग्रुप कर दें, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब मैंने इसको कॉपी करके नीचे ले आया हूँ और रेंज में इसको ब्रिंग बैकवर्ड किया है और जो टेक्स्ट छुप गया था इसकी बैक पे वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब इस पट्टी को मैं यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ कर देता हूँ। अब इसका ऑरेंज कलर जो है वो ऊपर की साइड पर हो जाएगा और इसको अब आप मुकम्मल कर दें। इसको भी ये अब अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं और हमारे जो लिखने की तर्तीब होगी वो ये है कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लिया। अब मुझे इस तरह के सेम दो और चाहिए। ज़ाहिर है अगर उसे दोबारा खींचूंगा तो मेरे लिए सेम बनाना मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले एक बना लेता हूँ और इसके ऊपर एक और रेक्टेंगुलर लेता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको मैं इसका फायदा ये कि ये साइज एक जैसा होगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस पे क्लिक किया, श,
शेप फिल में आई ड्रॉप पर उसको मैं ये ब्लू कलर दे देता हूँ, और इसके ऊपर आके शेप फिल में इसको ग्रे कलर दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को बजाकर इकट्ठा क्लिक कर सेलेक्ट कर लिया। अरेंज में जाऊंगा और इसको ग्रुप कर दूँ। अब ये ग्रुप बन गया। फिर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी फिर दोबारा कंट्रोल वी करता हूँ। अब इसको यहाँ पर अरेंज करता हूँ। अब ज़ाहिर है इसका ऊपर से भी अलाइन होना चाहिए और इसका दरमियानी फासला भी एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट से शिफ्ट से, और अब आप अरेंज में आए, अरेंज में अलाइन में आए और अलाइन टॉप कर दें। ये देखिए अब ये ऊपर से बिल्कुल बराबर हो गए। फिर अरेंज में आए, अरेंज के बाद आप अलाइन में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, हॉरिजेंटली, सॉरी हॉरिजेंटली इसको मैंने कर दिया, तो इसके दरमियानी फासले बराबर हो गए। अब इसको सारे को आप इकट्ठा मूव कर सकते हैं और ये अब बेहतरीन अलाइन हो गया आपके पास। इनका दरमियानी फासला, इनका साइज़, इनकी हर एक चीज़ बराबर हो गई। अब इसके ऊपर आप कोर्सेज के नाम और जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लिखने के लिए जैसे मैंने आपको कहा आपने लेना टेक्स्ट बॉक्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको ले, इसका कलर वाइट कर दें, इसका कलर भी वाइट कर दें। अब मैं इसको दोबारा अरेंज में आता हूँ और अनग्रुप कर देता हूँ, और मुझे अब इसके अंदर कोई पिक्चर लगानी है तो इस पे आप क्लिक करें, और मुझे अब चाहिए इस पे डबल क्लिक करें, और आपने शेप फिल में आना है, शेप फिल में पिक्चर में फ्रॉम फाइल, और यहाँ आप इसके हिसाब से कोई पिक्चर लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये देखिए एग्जैक्ट इसी में पिक्चर फिट हो गई। इसको भी आप अरेंज में, अरेंज से अनग्रुप, और इस पर क्लिक करते हैं शेप फिल में, शेप फिल से पिक्चर, ये देखिए
इसको भी उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर तो मैं कंट्रोल एम करता हूँ, कंट्रोल एम के लिए क्या है, ब्लैंक, कंट्रोल एम से खाली स्लाइड एंटर हो जाती है, ऐड हो जाती है, कंट्रोल एम से खाली स्लाइड। और इसमें अब हमें तमाम डिज़ाइनिंग शुरू से करनी पड़ेगी। तो इस पे क्लिक करें, अभी मैं डिलीट का बटन प्रेस करके इन्हें ख़त्म कर रहा हूँ। आप इसी पे राइट माउस बटन क्लिक करें और डुप्लीकेट स्लाइड कर दें, इस पे राइट माउस बटन क्लिक करें, डुप्लीकेट कर दें। ये देखिए, डुप्लीकेट का फ़ायदा ये है कि जो मेन आपकी सेटिंग है, अब हम पहली स्लाइड पे, हम दूसरी स्लाइड पे, और इसके अंदर अगर हमने कोई तब्दीलियां करनी है, कोई चीज़ बदलनी है, या इसको कोई और कोर्सेज लिखने हैं, तो वो आराम से आप इसमें और कोर्सेज लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मेन स्लाइड जो कि आपका डिज़ाइन है उसे ही लेके आगे चल सकते हैं, इससे आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, एक और अहम बात कि अगर आप इन स्लाइड पर आएँ और डिज़ाइन में आएँ और यहाँ क्लिक करें, तो ये सब पे डिज़ाइन अप्लाई हो जाता है, तमाम स्लाइड्स पर एक जैसा डिज़ाइन अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ पे डिफरेंट डिज़ाइन करें और कुछ पे और डिज़ाइन करें, तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले स्लाइड क्लिक कर लें और अपनी स्लाइड्स को सेलेक्ट कर लें और फिर उस पर डिज़ाइन अप्लाई करें। तो अब ये इन तीन स्लाइड पे वो डिज़ाइन अप्लाई हुआ है, और नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दें, और इसके ऊपर आप अब देखें, इन आखिरी दो पे और डिज़ाइन अप्लाई है और ये पहली तीन पर और डिज़ाइन अप्लाई है। एक बात, दूसरी बात ये है कि आप अपनी इस स्लाइड शो को सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ राइट माउस बटन क्लिक करें, यहाँ ऐड न्यू सेक्शन या सेक्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पर आप वेब सेक्शन जैसे रीनेम कर दें। तो आप प्रेजेंटेशन देते हुए एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें, यहाँ मैं क्लिक करूँ तो ये देखें ये क्लोज़ हो गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो गया। और ये अगर जनरल कंप्यूटर साइंस पर बात हो रही है, और यहाँ पर आप सिर्फ वेब से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, आप उसका डिज़ाइन भी अलग कर दिया और इसका डिज़ाइन अलग है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात ये है कि अब मैं बात करने लगा हूँ एनिमेशंस की। देखिए, मैं इसको, इस स्लाइड को रन करता हूँ, F5 प्रेस कर रहा हूँ। अगर यूं ऑडियंस के सामने इस स्लाइड को मैं पेश करूँ, तो अगर मैं बात स्पीयर एकेडमी की कर रहा हूँगा, तो लोग हो सकता है इसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ रहे हों, और मैं अगर MS ऑफिस की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है एकेडमी को देख रहे हों, और मैं हो सकता है MS Excel पे बात कर रहा हूँ, लोग किसी और तस्वीर को देख रहे हों। तो ऑडियंस को अपने साथ लेके चलना, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो आप बात कर रहे हैं उसकी तवज्जो भी उसी पॉइंट पे हो, उसके अलावा कोई और दूसरा पॉइंट स्लाइड शो का कोई और हिस्सा ऑडियंस उस वक्त ना देख रही हो, इससे उनकी तवज्जो आपकी बात पर ज़्यादा अच्छे से मबजूल हो सकेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं अब
एम एस ऑफिस पे क्लिक कर रहा हूँ और एनिमेशन पे जाके और यहाँ इसको अपीयरेंस पे क्लिक कर दिया मैंने। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और फिर इसको अपीयरेंस पे ऑप्शन दे देता हूँ। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और या अपीयरेंस पे कर देता हूँ। अब मेरे जहन में जो सिनेरियो था वो यही था कि पहले एमएस ऑफिस आए, फिर इसके कंटेंट आए, फिर जो उससे मुतलका पिक्चर है वो डिस्प्ले हो। अब मैं दोबारा इस स्लाइड को रन करता हूँ। अब ये देखिए, अब अगर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो स्पीड रिसर्च एकेडमी सब लोग किसी बात को सुनने के लिए मजबूर हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अब एमएस ऑफिस अपीयर हुआ है। अब एमएस ऑफिस का मैं तारुफ करवाऊँगा कि ये एक पैकेज है पूरा जिसके अंदर दीगर सॉफ्टवेयर हैं। जब मैं दीगर सॉफ्टवेयर पे आऊँगा फिर मैं क्लिक करूँगा। अब ये वो दीगर सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हुए हैं कि इसके अंदर आप एमएस वर्ड स्टडी करेंगे, एक्सेल करेंगे, पावर पॉइंट करेंगे और इंटरनेट का इस्तेमाल सीखेंगे। फिर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी जो भी कोई मुतलका तस्वीर होगी वो डिस्प्ले होगी। तो यही टेक्निक हम पूरे स्लाइड शो में इस्तेमाल करते हैं। आपने इधर आना है और ये एम्फेसिस है, एग्जिट है, ये सारे के सारे इस पे अगर से हटाना चाहते हैं उस पे इस पे क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, क्लिक करें डिलीट का बटन प्रेस कर दें और इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप ये देखें इस पे वन बाई वन आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी बात को ये देखें ये कर सकते हैं इसी तरीके से। ये एनिमेशन लगा सकते हैं, पिक्चर पे भी लगा सकते हैं। एग्जिट के हवाले से है, इस पे क्लिक करें और एग्जिट भी हो जाएगी। तो ये सारी एनिमेशन आप वन बाई वन चेक करें और अपने जो आपका आइडिया है उसके मुताबिक इसकी सेटिंग करें। अच्छा, अब ये जैसे पिक्चर है आप इसको चाहें तो यहाँ से पकड़ के इस साइड पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं, इनको यहाँ ट्रांजैक्शंस में आए और ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस यहाँ मौजूद हैं। जैसे ये है ट्रांजैक्शन, एक स्लाइड जब दूसरी स्लाइड में बदलती है तो उसके दरमियान की जो एनिमेशन है उसे ट्रांजैक्शंस कहते हैं। यहाँ क्लिक करें या और लगा दें, यहाँ क्लिक करें या और लगा दें, तो ये स्लाइड्स किस तरीके से बदल के आनी है। अब आप यहाँ पहली पे क्लिक करें और स्लाइड शो चला के देखें। ये देखें, तो फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर क्लिक कर रहा हूँ, फिर क्लिक किया मैंने, तो ये ट्रांजैक्शंस हैं जो आप अपने स्लाइड्स पे लगा सकते हैं। फाइल के अंदर जाएं, फाइल में आप एक्सपोर्ट में जाएं और यहाँ पर आप इसकी पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। पीडीएफ का ये फ़ायदा है कि ये वहाँ भी इसकी स्लाइड्स ऑन हो जाएंगी जहाँ पे पावर पॉइंट नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर ट्रांजैक्शन वगैरह इस तरीके से दिखाई नहीं देंगी। अच्छा, अब इसका एक और पहलू पावर पॉइंट का जिसे मैं ख़ुद भी प्रोफेशनली यूज़ करता हूँ वो ये कि हमें इंटरनेट से इस तरह की बनी बनाई स्लाइड्स मिल जाती हैं और इसके अंदर बड़े अच्छे ऑब्जेक्ट्स भी हमें मिल जाते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे इस्तेमाल करना है
गूगल पे आप लिख दें फ्री पावर पॉइंट टेम्पलेट्स, फ्री पावर पॉइंट डिज़ाइनिंग, और आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाती हैं जहाँ से इस तरह की स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं। लेकिन इनमें अक्सर जब आप इसे ऑन करेंगे ना, तो आपको एक एरर शो करेगा और वो कहेगा कि ये इसके अंदर ओपन नहीं हो सकती। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट से कोई भी स्लाइड शो डाउनलोड करें, टेम्पलेट डाउनलोड करें, और वो पावर पॉइंट पे प्रॉपर ना खुले, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फाइल में जाना है। फाइल से आप ऑप्शन में आ जाएं। ऑप्शन में आके आपने ट्रस्ट सेंटर पे जाना है। ट्रस्ट सेंटर पे जाके ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे जाइए, और फिर आप ट्रस्टेड लोकेशन पे आ जाएं। ट्रस्टेड लोकेशन पर आके ऐड न्यू लोकेशन, इस पे क्लिक करें। ऐड न्यू लोकेशन पे क्लिक करके ब्राउज करें, और अपनी उस लोकेशन के बारे में उसे बता के इसे ओके कर दें, और फिर आप इसे दोबारा ऑन करेंगे तो आपका स्लाइड शो प्रॉपर ऑन हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि जो स्लाइड्स हमने डाउनलोड की, उनसे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ये एक स्लाइड है और इसमें एक करेक्टर है और ये मुझे चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करें, कंट्रोल सी करें और अपने स्लाइड में आए, कंट्रोल वी कर लें। अब ये करेक्टर मेरे पास यहाँ आ गया। इसका रुख चेंज करना चाहें तो इसको यहाँ से पकड़ के इस तरफ मूव कर दें, तो आप इसका रुख चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मुझे और ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें से ये लैपटॉप चाहिए, इस पे क्लिक करें, कंट्रोल सी करें और अपनी डिज़ाइनिंग में फिर कंट्रोल वी करें, और इसका भी रुख चेंज कर सकते हैं आप। और आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी एक स्लाइड शो डाउनलोड किया और इसके अंदर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए ये बने हुए हैं। आप उनको भी कंट्रोल सी करें और अपनी डिज़ाइनिंग में आए, कंट्रोल वी कर दें। तो इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइनिंग को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, दूसरों से डिफरेंट बना सकते हैं। और इसके एंड पे मैं देखूंगा कि और ऑब्जेक्ट जो कि मेरी डिज़ाइनिंग में मुझे हेल्प आउट कर सकें। ये देखें, जैसे ये शेप्स हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो मकसद बताने का ये था कि इस तरह की शेप्स आपको देखनी पड़ेंगी कि आप कौन सी शेप आपकी डिज़ाइनिंग में आपको हेल्पफुल होंगी। ये मैंने भी नेट से यही लिखा था, फ्री पावर पॉइंट टेम्पलेट्स, तो आपको काफ़ी सारी साइट्स मिलती हैं जहाँ से ये फ्री में स्लाइड्स डाउनलोड करने की ऑप्शन होती हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे आइकन हैं, ये हमें चाहिए होते हैं
कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइनिंग में एक बहुत अच्छा इजाफा होता है जब हम इन आइकन्स को यूज़ करते हैं। बताने का यही मकसद था इस सारी चीज़ों का कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें अपनी डिज़ाइनिंग में और फिर उस पे बैठ के अच्छी सी अपनी क्रिएशन करें, अपनी प्रेजेंटेशन दें। एनिमेशन में मैं आपको बता चुका हूँ अपने ये देखना है कि किस चीज़ ने पहले अपीयर होना है, किसने बाद में अपीयर होना है। स्लाइड शो बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले एक पेपर पे पेपर वर्क करें, डायरेक्ट स्लाइड शो ना बनाना शुरू करें, पेपर वर्क करें, एक पेपर लें और उस पे सारा डिज़ाइन करें कि किस स्लाइड पे, अगर 5 स्लाइड्स बनानी है तो 5 पेपर लें, एक पेंसिल लें, उस पर ड्रॉ करें कि यहाँ फलां टेक्स्ट आना है, फलां टेक्स्ट आना है, उस टेक्स्ट को लिखें, यहाँ मैंने ये ग्राफ लगाना है, यहाँ पर मैंने ये एनिमेशन होगी, ये यूँ आएगा, यहाँ ट्रांजैक्शन, ये सारा कुछ पेपर वर्क पहले कंप्लीट करें। ये प्रोफेशनल वे है काम करने का, डायरेक्ट इस पर पावर पॉइंट पर नहीं आके आपने करना। पहले तसल्ली से बैठें, सोचें, अपना टेक्स्ट लिखें, मटीरियल फाइनल करें, जो आपके जहन में उसका एक डिज़ाइन बनता है उसे ड्रा करें, फिर एक एक स्लाइड को बैठ के वैसे बनाते चले जाएं। तो ये बेस्ट वे है किसी भी प्रेजेंटेशन बनाने का कि आप पहले उसका पेपर वर्क करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आती रहें। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप उसको दोबारा समझना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं फिर दोबारा वीडियो में आपको इसका आंसर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।